रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको आपकी डिमांड पर बताने वाला हूँ कि ट्रांसफ़र कितने प्रकार के होते हैं, किस ट्रांसफ़र की क्या क्या शर्तें हैं और किस तरह से आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हर एक बेसिक पॉइंट पर मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यहाँ पर मैंने रेलवे के ऊपर बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, मेडिकल को लेके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। मेरी पूरे एफर्ट है कि मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर कर पाऊँ। जैसे जैसे मुझे विभाग से नई नई जानकारी मिलती रहती है, मैं उस पर सूचना लेकर के आता रहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ में भी अभी नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कॉल का समय 6 से 7 शाम को रखा गया है, तो आप उसी टाइम पे कॉल करें। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ कि आज हम जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जानने वाले हैं वो एक बहुत ही सुंदर PDF के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना है, समझना है। हर एक चीज में आपको बहुत ही बारीकी से क्लियर करूंगा और बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, ऑल बेसिक पॉइंट्स। कितने टाइप होते हैं, क्या बेसिक पॉइंट है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले ट्रांसफर होता है म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर आप लोगों ने सुना सुन रखा है, लेकिन मैं इसके अंदर की बातें आपको बताना चाहूंगा। दूसरा जो ट्रांसफर है यहां पर, ये होता है आपका स्पाउस बैकग्राउंड पे। ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है ट्रांसफर लेने का। तीसरा है नेचुरल ट्रांसफर। नेचुरल ट्रांसफर को हम ऑन रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट है PWBD या विकलांगता के आधार पर भी ट्रांसफर मिलता है। नेक्स्ट है आपका इसमें प्रशासन आदेश पर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर। क्या क्या चीजें हैं, कैसे मिलता है, सब चीजें बताऊंगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों, आगे अब मैं सबसे पहले बात करता हूं स्पाउस बैकग्राउंड ट्रांसफर की। ये ट्रांसफर आप कैसे ले सकते हैं। आप एक रेलवे एम्प्लॉय हैं, आपने शादी कर ली और आपकी वाइफ किसी गवर्नमेंट जॉब पर है। अब वाइफ की गवर्नमेंट जॉब सेंटर में हो सकती है या फिर स्टेट में हो सकती है, सेंटर में हो या फिर स्टेट में हो। आप तो रेलवे एम्प्लॉय हो ही, तो आप सेंटर के कर्मचारी हैं। आपकी वाइफ हो सकता है स्टेट की हो या फिर सेंटर की हो। तो यहां पर देखो, मैंने पहला पॉइंट ये मेंशन किया हुआ है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही गवर्नमेंट जॉब पे होने चाहिए, दोनों ही गवर्नमेंट सर्वेंट होने चाहिए, स्टेट हो या सेंटर हो चलेगा। अब देखो, मान लीजिए आप हस्बैंड सेंटर का कर्मचारी है और वाइफ जो है सेंटर की कर्मचारी है। सेंटर की कर्मचारी होने का मतलब हम सीधे सीधे रेलवे में उसको मान लेते हैं कि भाई आप भी रेलवे में, आपकी वाइफ भी रेलवे में है। तो यहां पर आपका ट्रांसफर पॉसिबल है, आपका ट्रांसफर बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखो, आपकी वाइफ जो है वो अपने स्टेट में है, मतलब सपोज दैट यूपी की बात कर लेते हैं, आपकी वाइफ यूपी में है किसी रेलवे स्टेशन पर, ठीक। ये आप हैं, आप किसी दूसरे रेलवे स्टेशन पर हैं, ठीक। तो आप इजीली यहां पे ट्रांसफर ले सकते हैं, आराम से ट्रांसफर ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ही डिवीजन की, मैं बात कर रहा हूं यहां पे डिवीजन की, डिवीजन से डिवीजन, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन। क्यों? क्योंकि देखो दो तरीके से होगा, इंटर डिवीजन और इंटर रेलवे। तो मैं बात कर रहा हूं पहले इंटर डिवीजन की। आप सेंटर कर्मचारी, आपकी वाइफ सेंटर कर्मचारी, डिवीजन से डिवीजन को हम जाने की बात कर रहे हैं, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन। जैसे कि हुबली की बात कर लेते हैं, हुबली एक जोन है, हुबली एक जोन है, उस जोन में 3 डिवीजन आते हैं। एक तो खुद हुबली जाता है, मैसूरू और बैंगलोर, ठीक है, हुबली मैसूरू बैंगलोर। सपोज दैट आप बैंगलोर में पोस्टेड हैं, आपकी वाइफ मैसूरू में पोस्टेड है, तो आप एक डिवीजन से, बैंगलोर डिवीजन से आप मैसूरू डिवीजन जा सकते हैं, अपनी वाइफ के पास ट्रांसफर ले सकते हैं। या रिवर्स भी पॉसिबल है, आपकी वाइफ आपके जोन में या आपके डिवीजन में, डिवीजन बोलेंगे, डिवीजन में आ सकती है, ठीक है। तो ये एक ट्रांसफर का तरीका हो गया। सेंटर के हैं दोनों, तो आपकी वाइफ भी आपके पास आ सकती है या आप भी अपनी वाइफ के पास जा सकते हैं ट्रांसफर के माध्यम से, क्योंकि सेंटर की चीजें हैं, तो सेंटर सेंटर कहीं भी ऑल इंडिया आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, लेकिन अभी हमने डिवीजन की बात करी है। ऑल इंडिया पे आते हैं तो हम यहाँ पे बात करेंगे इंटर
रेलवे या इंटर जोन की, जब एक जोन से दूसरे जोन होगा। सपोज दैट आप हैं सेंटर कर्मचारी, आपकी वाइफ है सेंटर कर्मचारी, और आप एक जोन से दूसरे जोन में जाना चाहते हैं। आपकी वाइफ तो किसी और जोन से बिलोंग करती है और आप किसी और जोन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सपोज दैट आपकी जो वाइफ है ये बिलोंग करती है जो दिल्ली चंडीगढ़ वाला जोन है, दिल्ली चंडीगढ़ वाला जोन है, इससे बिलोंग करती है, और ये ले लेते हैं हम जो हुबली, ठीक है, हुबली जोन से। तो जोन से जोन में आप जा सकते हैं, जोन से जोन में भी आप स्पाउस बैकग्राउंड पर ट्रांसफर ले सकते हैं, ठीक है। इस केस में भी आपकी पत्नी आपके पास आ सकती है या आप अपनी पत्नी के पास ट्रांसफर ले सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर हम यहां पे लिख देते हैं स्टेट कर दे अगर हम यहां पे, तो अब मामला क्या होगा, अब हमने लिख दिया स्टेट, तो जैसे हमने यहां पे स्टेट लिख दिया तो इसके लिए चीजें बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि स्टेट का तो स्टेट तक ही संबंध हो सकता है, स्टेट का संबंध स्टेट तक ही है, लेकिन सेंटर ऑल इंडिया तक संबंध रखता है। क्यों? क्योंकि पूरा रेलवे है, पूरा रेलवे में आपको कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन सेंटर की बात है यूपी की, अगर आपकी वाइफ यूपी की है तो वो यूपी में ही, यूपी एक अलग राज्य हो गया, और आप सपोज दैट हुबली में है या कर्नाटक में है, एक वो अलग राज्य हो गया, तो आपकी वाइफ को वहां पर ट्रांसफर नहीं कर सकता, एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं, आपको अपनी वाइफ के नजदीक आसपास में ट्रांसफर दिया जा सकता है, ठीक है। तो आप जाना पड़ेगा, आपकी वाइफ को कुछ भी ट्रांसफर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, क्योंकि आप सेंटर के कर्मचारी हैं, और आपकी वाइफ के आपको 50-60 किलोमीटर में ही, मतलब आपको ट्रांसफर आपकी वाइफ के लोकेशन के 50-60 किलोमीटर के आसपास रेलवे स्टेशन पे कहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफर बहुत अच्छा है, इसको बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन आप दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट होने चाहिए। इसकी जो टाइमिंग है वो 8 या 6 मंथ होती है, बेसिकली 6 मंथ बोलते हैं लेकिन 6 से 8 मंथ में ये चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। वैसे तो टाइमिंग इसकी कम ही होती है, लेकिन 6 से 8 महीनों में, या मान के चलो 7-8 महीनों में पूरा का पूरा प्रोसेस ये हो जाता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया सेंटर से स्टेट में भी हो सकता है और सेंटर से सेंटर में भी हो सकता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, बट आपको समझाना मेरा उद्देश्य है। वीडियो अगर 10-5 मिनट लंबा हो भी गया तो भाई मेरे वीडियो थोड़े से लंबे हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप 10 वीडियो ना देख के एक वीडियो आराम से देख लें। यहाँ पर है दूसरा म्यूचुअल, तो जो म्यूचुअल का केस है ये भी एक बढ़िया तरीका है ट्रांसफर लेने का। ये इस तरीके को सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर बोला जाता है, ट्रांसफर लेने का सबसे तेज प्रकार यही है, तो फास्टेस्ट मोड है ये, और इसमें एक मैन से दूसरे मैन, इसमें भी देखो दो तरीके से पॉसिबल है ये, ठीक है। डिवीजन से डिवीजन, सपोज दैट के यहां पर मैं बात कर लेता हूं भाई एक डिवीजन की, और इस डिवीजन में मैं ले लेता हूं यहां पे, सपोज दैट मैं बात कर लेता हूं भाई हुबली, ये हुबली डिवीजन है और यहां पे ये बैंगलोर डिवीजन है, ठीक। तो यहां का कोई व्यक्ति और यहां का कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति यहां आना चाहता है और ये व्यक्ति यहां आना चाहता है, तो बिल्कुल ट्रांसफर पॉसिबल है। इसमें यहां से एक व्यक्ति, बस कर्मचारियों का आदान प्रदान हुआ या इंटरचेंज हुआ, कर्मचारी आपस में बदले हैं, ना वहां पे कोई कर्मचारी की संख्या कम हुई ना यहाँ पे कोई कम हुई, बस चेहरे बदले हैं, एम्प्लॉय बदले हैं, वर्क या मैन पावर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या कम ज्यादा नहीं हुई, बस आपस में बदल गए। तो ये म्यूचुअल ट्रांसफर है, एक जोन से दूसरे जोन में हो जाता है इजीली, एक जोन से दूसरे जोन में लेना बहुत आसान है, ये बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक। अब दूसरा इसमें क्या होता है, मैंने बताया ना एक मैन से दूसरे मैन, दूसरा इसमें क्या है यहाँ पे, इंटर रेलवे या इंटर जोनल, एक जोन से दूसरे जोन में भी पॉसिबल है, एक जोन से दूसरे जोन में भी पॉसिबल है म्यूचुअल, और ये भी तो तेज तरीके से हो सकता है। क्यों? क्योंकि वही बात है, मैन बदलेंगे, बस व्यक्तियों की संख्या पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, व्यक्ति बदलेंगे आपस में, एम्प्लॉय एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, ठीक है। तो ये भी बहुत तेज तरीके से जोन टू जोन हो सकता है। सपोज दैट आप हुगली जोन में है और आपको जाना है दिल्ली चंडीगढ़ जोन में, बस दोनों की सहमति होनी चाहिए और आपस में आप चेंज कर लेंगे, दैट्स इट, इतना ही है। इसमें जो टाइमिंग लगती है 6 से 8 महीने की टाइमिंग इसमें भी लगती है, ठीक है। इसमें पहले एक, इस ट्रांसफर में एक सबसे बड़ी कमी पहले क्या थी कि देखो जनरल से जनरल कैंडिडेट ही चेंज करता था पहले, पहले जनरल से जनरल, जनरल कैंडिडेट से जनरल कैंडिडेट ही चेंज कर सकता था, एससी से एससी चेंज कर सकता था, ओबीसी से ओबीसी चेंज कर सकता था, लेकिन अभी क्या है क्रॉस भी चेंज कर सकते हैं, अगर जनरल कैंडिडेट है तो वो ओबीसी कैंडिडेट से भी आपस में इंटरचेंज कर सकता है, ट्रांसफर ले सकता है, एससी वाला कैंडिडेट ओबीसी वाले कैंडिडेट के स्थान पर आ सकता है, आपस में अपनी स्थिति परिस्थिति या अपने स्थान को बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफर आप आसानी से पा सकते हैं, अब पॉसिबल हो गया है। क्या पॉसिबल हो गया,
जनरल एससी की जगह आ सकता है, एससी जनरल की जगह ट्रांसफर ले सकता है म्यूचुअली से। ठीक है भाई, आगे चलेंगे हम लोग, इसमें देख लेते हैं। ठीक, और इसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कभी भी अप्लाई कर सकते हो, कभी भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ज्वाइनिंग के कुछ टाइम बाद ही आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ऐसे स्पाउस बैकग्राउंड में आपकी शादी हो रखी है तो इसे भी आप ज्वाइनिंग के कभी भी टाइम में अप्लाई कर सकते हो। आगे देख लेते हैं हम लोग इसमें भाई क्या क्या चीजें हमारे सामने हो सकती हैं। अगला है ऑन रिक्वेस्ट। ऑन रिक्वेस्ट मतलब आपका ना तो स्पाउजल है केस है, ना आप म्यूचुअल के उसमें हैं, तो आप ओन रिक्वेस्ट मतलब आप खुद जाना चाहते हैं, आपकी मन है कि नहीं मुझे तो दूसरे या अपने होम स्टेट जाना है। ठीक, तो इस स्थिति में क्या है, इंटर डिवीजन, डिवीजन में जाना है आपको, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में। सपोज बैंगलोर हुबली मैसूरू तीन डिवीजन है, तो आपको एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जाना है अपनी इच्छा से, आप जाना चाहते हैं, आपने रिक्वेस्ट किया खुद की सर मुझे वहां भेज दीजिए, तो आराम से भेज जाओगे आप, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ठीक, कोई टाइम बाउंडेशन इसमें नहीं है। ठीक है, समझ गए आप। लेकिन थोड़ा सा टाइम इसमें इसलिए लग सकता है कि अगर वहां पे सीट ही नहीं है आपकी या वहां पे आपके लिए जगह ही नहीं है तो आपको कैसे भेज सकता है। जैसे ही वहां पर आपके लिए सीट खाली होगी, जगह आपके लिए होगी, तो तुरंत आपको वहां भेज दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें समय का कुछ फिक्स नहीं है। ठीक, दूसरा है इसमें आपका इंटर रेलवे। इंटर रेलवे मतलब एक जोन से दूसरे जोन। अब देखो एक जोन से दूसरे जोन, ये लिखा मैंने एक जोन से दूसरे जोन, इसमें जो मिनिमम टाइमिंग है वो 5 साल की है, मिनिमम टाइमिंग 5 साल की है। इस पे उड़ती उड़ती खबरें चलती रहती हैं, हम जैसे विभाग में रहते हैं तो हमें कर्मचारी हम लोग आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, तो बात करते रहते हैं भाई ट्रांसफर, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं हम अपने घर चले जाएं, अपने नजदीक चले जाएं, तो सब कोई हर कोई चाहता है। शुरू में लगता है कि भाई जॉब मिल जाए, फिर जॉब मिल जाती है तो हम घर के नजदीक चले जाएं, तो सारी चीजें दिमाग में जब आप ज्वाइन कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 5 साल मिनिमम है, लेकिन 10 साल करने की बातें हम सुनते हैं, अभी फाइनली वैसे नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्द फाइनल कर दिया जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली हम ये खबर सुनते हैं कि भाई 10 साल कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप चीज ध्यान रखिए, टाइमिंग का इश्यू है, बहुत ज्यादा टाइमिंग का इश्यू है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव किस प्रकार का एक ट्रांसफर है, जब आपको प्रशासन खुद भेजेगा। अब क्या भाई आप या हम इतने स्पेशल है कि प्रशासन हमें खुद भेजेगा, नहीं। अगर हम कुछ बहुत बड़ी ऐसी घटना हमारे अंडर में घट जाती है जो छोटे लेवल की नहीं है, जो अस्वीकार्य है, तो उस स्थिति में हमारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा हमें एज अ पनिशमेंट, एज अ सजा। तो ये पनिशमेंट के तौर पे प्रशासन की ओर से दिया जाने वाला ट्रांसफर है, जब हमसे कोई बड़ी मिस्टेक हो जाती है जिससे रेलवे के नाम पर प्रभाव पड़ता है, या किसी की जान खतरे में जाती है, या कोई भी बड़ी घटना हमसे हमारी गलती की वजह से हो जाती है। ये एक अनचाहा ट्रांसफर है, आप नहीं चाहेंगे, लेकिन सजा के रूप में आपको ये दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है, क्योंकि हर एक कर्मचारी, कभी भी कर्मचारी अपनी मर्जी से चाहे कोई बड़ी गलती नहीं करता। बहुत रेयर केस अगर आ गया, कुछ ऐसा हो गया कि ना चाहते हुए वो घटना हो गई, तो ये रेयर केस है। ठीक है, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। आगे जो है इसमें ट्रांसफर है आपका, ये वाला ट्रांसफर आप देखिए, नेम नोटिंग। नेम नोटिंग क्या है, इसमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, ठीक है, सेम डिवीजन में बात करते हैं, सेम डिवीजन की, सेम डिवीजन की बात हो रही है, तो सेम डिवीजन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर अगर आपको जाना है तो ये क्या होता है, नेम नोटिंग तरीके से होता है। इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, सेम डिवीजन की बात हो रही है, सेम डिवीजन के अंदर ही हो रहा है, ध्यान रखो, एक ही डिवीजन के अंदर हलचल हो रही है, एक व्यक्ति वहां जाना चाहता है बस। ठीक, तो इसमें कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन सेम डिवीजन में। बस वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे आपके लिए सीट होनी चाहिए, वहां पे खाली पद होना चाहिए, वहां पे जगह होनी चाहिए आपके लिए, तो आप जा सकते हो आराम से। लेकिन इसमें टाइम क्या है, अब सीट कब खाली हो, होने को 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, आपने अप्लाई किया उसके 2 महीने बाद हो गई, उसके 10 महीने बाद हो गई, उसके 1 साल बाद भी नहीं हुई, उसके 2 साल बाद भी नहीं हुई, तो ये टाइम इसमें आपके लिए कोई फिक्स नहीं है कि कभी भी होगी तो ही आपको जाने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिक्वेस्ट डाल दी और भैया हो गया काम, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेताजी थोड़ी है जो एकदम आपकी बात हमारी बात सुन ली जाएगी भाई, है ना।
तो ये ट्रांसफर के कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं। और भाई देखो, मैं भी ट्रांसफर चाहता हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं भी ट्रांसफर चाहता हूँ। अगर आप बेंगलोर जोन में आना चाहते हैं और मैं अपने होम स्टेट आना चाहता हूँ, यानी कि मैं दिल्ली चंडीगढ़ जोन आना चाहता हूँ, तो आप, अगर इच्छा है आपकी बेंगलोर जाने की, बढ़िया जगह है रहने रहने के लिए, अगर आपका मन है तो आप जरूर म्यूचुअल कर सकते हैं। ठीक है भाई, मेरा भी मन है, सबका मन होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन देने की आपको बहुत बहुत कोशिश की है। हो सकता है आपको वीडियो अच्छा लगे, तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करिए किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन की आपको कमी लगी है तो मैं उसे ज़रूर अगली वीडियो में पूरे करने की कोशिश करूँगा। किस तरह से ट्रांसफ़र होगा, क्या ट्रांसफ़र में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या फॉर्म लगता है, किस तरह का फॉर्म कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीज़ मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को DV और मेडिकल के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय गाइज, सी यू सून।